हाँ जी फ्रेंड, स्वागत है सक्सेस प्लस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज की जो 3D शेप असी डिस्कस करने जा रहे हैं वह है फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ कौन। हाँ जी, फ्रस्टम जो है कौन का एक पार्ट है, जो कि इस वीडियो के थानू असी बहुत ही डिटेल के नाल जानकारी देवांगे। इसके जो फॉर्मूले वगैरह हैं उसके बारे ही डिस्कस किया जाऊगा। तो आओ लै चलते हैं थानू फ्रस्टम वाल। फ्रस्टम दोस्तों कौन दे विच्चों ही कट किया जाता है, जिस तरह तुसीं देख रहे हो ए डी एक कौन है। अगर इसनों मैं सेंटर दे विच्चों डिवाइड कर दिना तो इसके दो पार्ट बन जाएंगे, जिस तरह एक अपर पार्ट एंड एक लोअर पार्ट। कौन का जो लोअर पार्ट होगा कट करन तो बाद उसनों ही फ्रस्टम बोलिया जाएगा। तुसी फ्रस्टम अपनी डेली लाइफ दे विच देखी होगी, जिस तरह जो वाटर ड्रिंक करन दे लई आपां ग्लास यूज़ करते हैं वह भी एक फ्रस्टम है, एंड बकट आपां घरां दे विच यूज़ करते हैं वह भी एक फ्रस्टम है। तो फ्रस्टम दे थ्री फेसिस हुंदे हन, एक करवड सरफेस जो इस दे अराउंड होगा, बॉटम सरफेस एंड टॉप सरफेस, जदों कि कौन दे सिर्फ टू सरफेस हुंदे हन, एक करवड सरफेस एंड एक टॉप बॉटम सरफेस। तो इस दे टॉप सरफेस भी होगा एंड बॉटम सरफेस भी होगा। इस तो अलावा दोस्तों रेडियस जो इस दे दो सर्कल बनेंगे, एक स्मॉल सर्कल का स्मॉल रेडियस होगा एंड लार्ज सर्कल का लार्ज रेडियस होगा। हाइट भी इस दे दो होंगे, एक परपेंडिकुलर हाइट होगी जिसनों आप एच ना लिखांगे एंड एक स्लांट हाइट होगी जिसनों आप एल दे नाल डिनोट करांगे। तो यह कुछ कु बेसिक जानकारी सी फ्रस्टम बारे। इस तो बाद आप डिटेल दे विच डिस्कस करते हैं जो तुसी इस वीडियो दे विच नोट करना या रीड करना है, वह है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड हाउ टू फाइंड स्लांट हाइट। इसकी स्लांट हाइट में किस तरह फाइंड आउट करना है अगर ये ना दिती हो। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं आप वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम दोस्तों इसकी होल्ड करने की कपैसिटी, आप इसनों थोड़ा जहा लिंक करांगे कौन दे नाल। कौन का दोस्तों जिस तरह आप कौन का वॉल्यूम पढ़िया सी वह 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच हुंदा है। तो इस दे विच भी कुछ ज़्यादा तुहानूं याद रखने की लोड़ नहीं, थोड़ा जिहा कौन दे वॉल्यूम दे नाल कंपेयर करोगे तो तुसीं बहुत इजली इसनूं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला जो याद रख सकते हैं। तो इस दे विच भी 1/3 कौन की तरह ही आएगा, पाई भी कौन की तरह ही आएगा। आर स्क्वेयर की थान ते प्लेस ते आपां इत्थे थोड़ा जिहा रिप्लेस करांगे आर स्क्वेयर प्लस आर आर, क्योंकि इस दे विच दो आर हैं, दो रेडियस हैं, समॉल सर्कल लिए समॉल आर है एंड लार्ज सर्कल लिए लार्ज आर है। तो इस दे विच आप लिखांगे आर स्केयर समॉल आर स्केयर प्लस लार्ज आर स्क्वेयर प्लस समॉल आर एंड कैपिटल आर इन टू एच। दोस्तों तुसी देख रहे हो कौन दे फॉर्मूले दे नाल बिल्कुल मिलजुल रहा है, जिस तरह 1/3 कौन च भी है इस दे विच भी आ रहा, पाई दोनों दे विच सेम आ रहा एंड एच दोनों दे विच सेम आ रहा, जस्ट आर स्क्वेयर नूं रिप्लेस किया गया है स्मॉल आर स्केयर प्लस कैपिटल आर स्केयर प्लस आर आर। तो एक बहुत ही ईजी तरीके आप याद रख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ये फॉर्मूला याद रखना दोस्तों। फॉर्मूला अगर तुहानू आता है तो जो वैल्यूज़ गिवन होनगियां इस दे विच पुट करके तुसी आंसर कढ़ सकते हो। नैक्सट है करवड सरफेस एरिया। करवड सरफेस एरिया भी लगभग कौन दे नाल मिलता जुलता है, जिस तरह कौन का जो करवड सरफेस एरिया सी वह पाई आर एल सी, तो पाई भी दोस्तों इस दे विच आ रही है, एल वी है इस दे विच, जस्ट आर नू रिप्लेस किया गया है आर प्लस आर दे नाल स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, क्योंकि इस दे विच दो आर हैं। फ्रस्टम दे विच आपां स्टार्टिंग भी इसनू क्लीयर कर चुके हैं, समॉल सर्कल दे लई समॉल आर होएगी एंड लार्ज सर्कल दे लई लार्ज आर कैपिटल आर सॉरी। नैक्सट टोटल सरफेस एरिया, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर हरेक 3D शेप लई बिल्कुल सेम ही है। अगर टोटल सरफेस एरिया आप फ्रस्टम का फाइंड करना है तो करवड सरफेस एरिए दे विच बॉटम का एरिया तो टॉप का एरिया ऐड कर देवांगे, जिस तरह करवड सरफेस एरिया पाई आर प्लस आर एल है तो टॉप ते जो सर्कल बन रहा है उसका एरिया पाई आर स्केयर एंड बॉटम ते जो सर्कल बन रहा है उसका एरिया पाई आर स्केयर अगर इस दे विच ऐड कर दिए तो आप टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। इस दे लई बेसिक स्ट्रक्चर ही याद रखो, फॉर्मूला याद रखने की लोड़ नहीं, ये आप मौके दे उत्ते ड्राइव कर सकते हैं। नैक्सट है सलांट हाइट। दोस्तों अगर तुहानू सलांट हाइट नहीं पता या क्वेश्चन दे विच किते भी कढ़न दे लई या कैलकुलेट करने की लोड़ पैंदी है तो तुसी सलांट हाइट का फॉर्मूला याद रख सकते हो, जो कि एच स्केयर प्लस दोनों आर का डिफरेंस मीनस लार्ज कैपिटल आर एंड स्मॉल आर का डिफरेंस सारे का होल स्क्वेयर। कौन दे विच भी आपां जो एल फाइंड आउट करते उसका फॉर्मूला एच स्केयर प्लस आर स्क्वेयर होंदा है, इत्थे जस्ट आर नूं रिप्लेस किया गया डिफरेंस ऑफ आरस मीनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का डिफरेंस एंड सारे का होल स्केयर। तो इस तरह तुसी सलांट हाइट भी फाइंड आउट कर सकते हो।
ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਫਰਸਟਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਸਲਾਂਟ ਹਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕੁ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਸਡ ਕੁਸ਼ਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਕਸੈਸ ਪਲੱਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ।